तो दोस्तों फाइनली फाइनली यार, कम से कम 2 या 3 घंटे वेट करने के बाद भी अपने रोक से खाना आ चुका। ये देखिए गाइस, ये है अपने रोक्सी का फूड। देखिए गाइस, हमारे रोक्सी केले खा रही है, बिल्कुल पेड़ पे लगे हुए ताजा ताजा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रोक्सी, मैं आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30 बजे का, और गाइस आज मैं स्कूल जाने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियाँ थी। 2 दिन छुट्टियों के बाद फाइनली गाइस आज मैं स्कूल जाने वाला हूँ, और हमारे सारे जानवर खा पी के आराम से मस्त बैठे हुए हैं, और वो अपनी रोक्सी रही गाइस आराम से इसको, और इसकी डाइट का टाइम हो रहा है गाइस, तो मैंने इसके लिए डाइट रेडी की, आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस, मैंने यहाँ पे रोक्सी की डाइट रेडी की है, इसका अभी पेडिग्री फूड रात खत्म हो गया था, तो गाइस फिर मुझे है ना घर के खाने से ही काम चलाना पड़ रहा है 2 दिन तक। मतलब मैं ऑनलाइन करवाया था फूड, तो 2 दिन के बाद में आएगा वो, 13 तारीख को शाम तक आएगा गाइस, तो शाम तक के लिए हमें घर का खाना खिलाना पड़ेगा अपने रोक्सी को, उसके बाद में तो प्रॉपरली फिर ये पेडिग्री पे आ जाएगी गाइस फिर से दोबारा। तो गाइस अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं लेट हो सकता हूँ स्कूल के लिए, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको बाद में सीधा स्कूल के टाइम पे। A few inches later. तो गाइस अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए, और रोक्सी को मैं दूंगा अभी डाइट, उसकी डाइट लेके जा रहा हूँ गाइस उसके पास, तो इसके डाइट रख के मैं निकल लूंगा स्कूल की तरफ, तो गाइस फिर लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, और मुझे आज थोड़े से कार्ड भी देने हैं, इस वजह से गाइस जल्दी से जल्दी निकलना होगा। ले रोक्सी खा ले खा ले खा ले खा ले। तो गाइस मैंने रोक्सी को उसकी डाइट रख दी और मैं निकलता हूँ अब स्कूल की तरफ, ज्यादा लेट होने में फायदा नहीं है यार, क्योंकि कार्ड भी देना है, बहुत सारा काम है। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल से वापस घर आ चुका हूँ, और घर आते ही मेरे पास कुरियर बॉय का फोन आया कि आपका पेडिग्री जो फूड आपने ऑर्डर किया था ना वो डिलीवर हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो लोकेशन पे पहुंच जाना। तो गाइस अभी मैं घर पे आके बैठा हूँ, तकरीबन मुझे मान लो 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद में कुरियर बॉय आ जाएगा, तो मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ेगा पार्सल लेने के लिए। गाइस रोक्सी बेटी फूड आ गया थारो, बस एक टाइम इतना गलत खाना खानी पड़े मतलब घर को, बाकी थारो वापस फूड आ गया। तो गाइस मैं अभी पार्सल का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको बाद में सीधा मार्केट में वही पार्सल डिलीवरी के टाइम पे। गाइस 2000 years later. तो दोस्तों फाइनली फाइनली यार, कम से कम 2 या 3 घंटे वेट करने के बाद भी अपने रोक्सी का खाना आ चुका है, ये पूरा पैकेट आया था, ऑनलाइन आता है तो ऐसे ही मतलब मैं सेव करके भेजते हैं गाइस, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी, देखते हैं कौन सा निकलता है। मैंने एक्टिव का मंगाया था, तो चेक करता हूँ मैं निकलता है या नहीं निकलता गाइस एक्टिव वाला। अरे यार, अरे गाइस बहुत, ये मान कर चलो कि बहुत सेफ्टी से भेजते हैं यार ये लोग सच में। देखो देखो गाइस कितनी अच्छी पैकिंग की है ना इसकी, आप देख सकते हो यार, ये देखो, ओ भाई साहब देखो गाइस कितनी अच्छी तरह से पैक होके आया है यार, ये देखिए, ये देखो निकालता हूँ यार, ये देखिए गाइस, ये है अपनी रोक्सी का फूड एक्टिव। गाइस मैं ना हर बार पेडिग्री मंगवाता था, फिर मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना हम एक्टिव ट्राई करके देखते हैं गाइस, क्योंकि गाइस मैंने एक्टिव के है ना जो कमेंट्स में देखा था, इसके रिएक्शन वगैरह देखे थे गाइस, तो अच्छी खासी रेटिंग इसको मिली हुई थी, अच्छा फूड बताया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि देखते। यह है चिकन एंड वेजिटेबल्स, इसमें गाइस चिकन और सब्जियों का मिक्सर है, इसमें एग पीज कॉर्न लॉन्ग ग्रेस राइस कैरेट वगैरह सब कुछ आता है गाइस, तो मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ एक्टिव वाला गाइस, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है, अगर अच्छा रिजल्ट होता है तो ये सबसे अच्छा होगा गाइस, क्योंकि बजट में भी है और अच्छी क्वालिटी का फूड है वैसे तो। गाइस मैंने इसकी रेटिंग देखी थी तो बहुत अच्छी रेटिंग आ रही थी, तभी मैंने ऑर्डर किया था गाइस, तो आज से इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है कितना नहीं गाइस। 5 hours later. हेलो गाइस, वेलकम है आपका फिर से आज के मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं रोक्सी को खेतों में लेके आया हूँ, देखिए गाइस ये घूम रही है अपनी रोक्सी, घूम क्या रही है, इसका फेवरेट काम गाइस बिल में मुंह देना, तो वही कर रही है गाइस ये, और गाइस आपको दिख रहा होगा इस वाली जगह में और इस वाली जगह में आपको अंतर दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो आप फिर से चेक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये बीच की सीमा है गाइस। तो गाइस ये इतना सारा जो एरिया आपको थोड़ा मतलब डार्क डार्क दिख रहा है ना, तो गाइस इसमें हमने ट्रैक्टर चलवाया था, क्योंकि इसी जगह पे हमारी शादी का टेंट लगने वाला है गाइस, जो दिख रही है ना आपको सारी जगह यहाँ पे हमारा टेंट लगेगा, इसलिए गाइस हमने इसमें ना ट्रैक्टर चलवाया था, तो इसमें पहले हल निकलवाया फिर कूड़ी निकलवा के आराम से इसको बिल्कुल सपाट कर दिया गाइस। अब गाइस ये बिल्कुल सपाट हो चुके हैं, तो अच्छा होगा मतलब किसी के चुभेगा नहीं पैर में, वरना ये जो गेहूं के आपको दिख रहे होंगे ना गाइस डंठल बहुत बुरे चुभते हैं यार। और गाइस रोक्सी का फेवरेट काम इस खेत में आता है, तो बस ये बिल में मुंह देखे इधर उधर चूहे ढूंढते रहती है, अभी देखो आराम से घूम रही है, बस ढूंढ रही है चूहों के बिल, जैसे ही बिल मिलेगा ना तो उसमें मुंह देखे फिर सूंघने लग जाएगी चूहा है या नहीं है।
और गाइस ये रोक्सी जब तक यहाँ पे घूमते ना तब तक मैं आपको एक मस्त चीज दिखा के आता हूँ कि मैं जो बोलता था ना गाइस वो झूठ नहीं बोलता, मैं सच्ची बोलता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई सच बोल रहा था बंदा। तो गाइस ये हमारा बनाना ट्री है और यहाँ पे देखिए ये कुछ बनानास लगे हुए हैं। मैंने पहले भी पिछले वाले कुछ वीडियो में आपको दिखाया था गाइस यहाँ पे बहुत सारे बनानास लगे हुए थे। तो गाइस अभी एक पेड़ था जो यहाँ से टूट चुका है, उसमें बहुत ज्यादा बनाना लगे हुए थे लेकिन गाइस हमने ध्यान ही नहीं दिया। और जब वो टूटा ना तब देखे गाइस इसके पूरे के पूरे बनानास पके हुए थे यार, आप खुद चेक कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल पकने के बाद टूटा है यार, बिल्कुल पेड़ पे लगे हुए अभी तक। देखिए हमने तोड़ा नहीं है इसको, पेड़ पे लगा हुआ है। अरे रोक्सी क्या खाओगी का? ये देखो गाइस ये तो खाने लग गए उनको। अरे रोक्सी रोक्सी केले खाने लग गए यार। बेटा केड़ा खाओगी? रोक्सी तोड़ ला तोड़ ला तोड़ ला एक तोड़ ला रोक्सी ला तोड़ ला बेटी तोड़ ला ला तोड़ ला। देखिए गाइस हमारे रोक्सी केले खा रही है, बिल्कुल पेड़ पे लगे हुए ताजा ताजा पके हुए फल खा रही है गाइस। देखिए गाइस वहां से मैंने ना एक बनाना तोड़ लिया है और मैं इसको रोक्सी को खिलाने वाला हूँ, देखते हैं खाती है नहीं खाती है। पहले तो उसकी इसके साथ मस्ती करवा लेंगे, उसके बाद में इसको खिला देंगे गाइस अगर खाएगी तो। और देखो उसको तो वही जगह पसंद आ गई यार, फिर से वही गई केलों के पास। वो देखिए आजा 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 भाग्या। तो दोस्तों रोक्सी आ चुकी है और मेरे हाथ में ये केला है, तो गाइस मैं ट्राई करता हूँ इसको खिलाने की पहले तो। अरे रुक जा पागल चो। तो गाइस मैं पहले इसको फेंकूंगा फिर रोक्सी मेरे पास लेके आएगी इसको फाइनली, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार। रोक्सी ले जा बैठी। गाइस मैंने उसको फेंक दिया और रोक्सी गई, देखो कितनी स्पीड में गए यार। आजा ला आजा आजा लिया आजा। देखिए गाइस मस्ती करते करते आ रही है। ये केला तो मुझे नहीं देने वाले गाइस, अगर इसकी जगह बॉल होती या कोई और चीज होती तो मुझे 100% दे देती है वापिस, केला नहीं देने वाली मुझे पता है। केले के साथ तो मस्ती करेगी ये। अब देखो गाइस ये बिल्कुल लेके बैठ गए उसको। आजा 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 ला रोक्सी आजा आजा। देखो गाइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है यार, बिल्कुल मस्ती में लगी हुई है। देखो ये देखो अब मैं जाता हूँ उसके पास, फिर देखना केलों को उठा के लेके भाग जाएगी। ये देखो गाइस गई और घर की तरफ। देखिए गाइस केले के साथ कैसे मस्तियाँ कर रही है, अरे फुल मूड में आई हुई है यार, मजे में। फिर वहाँ पर जाके बैठ के फिर से मैं इसके पास जाऊँगा, फिर से दूर 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 भागेगी यार ये। रोक्सी रुक जा। ये देखिए गाइस और देखो इस मतलब मैं एक तरह से इसकी एनर्जी देखो गाइस कितनी, मतलब मैं जंप लगाती है ना, मतलब ऐसा वैसा घूमती फिरती है तो देखना कितनी एनर्जी साथ भागती है। ये देखो और बिल्कुल फुल मस्ती के मूड में, जब फुल मस्ती में आते हैं तभी ऐसे भागते हैं, वरना डर के थोड़ी भाग रही है गाइस ये मेरे से, ये मस्ती में भाग रही है। अभी देखना ये फिर से देखो लेके भाग गए उसको। दोस्तों मैं एक बार ऐसे ही इसकी एक्सरसाइज करा लेता हूँ, मस्ती की मस्ती और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, फिर मिलता हूँ आपको बाद में गाइस। गाइस ये ऐसे ना परेशान हो जाएगी बिल्कुल, तो मैं थोड़ी देर इसको एक्सरसाइज करा लेता हूँ इसकी, फिर मिलता हूँ बाद में। जब ये बिल्कुल थक जाएगी ना पूरी तरह फिर इसको घर लेके जाएंगे, डाइट दे देंगे गाइस इसको। ये देखो गाइस जंप। गए गाइस लेने। गाइस ये है ना ऐसा केले से को लेके इधर उधर भाग रही है ना, तो ये मतलब थक तो पूरी चुकी है बट इसकी मस्तियां अभी तक खत्म नहीं हो रही है। हालत तो खराब हो गई इसकी बट अभी भी मस्ती कर रही है। देखिए गाइस ये फिर से इधर उधर भाग रही है उसको लेके, फिर गिर जाता है फिर उठाती है, बस इसकी मस्ती ऐसे चलती रहेगी गाइस। अ फ्यू इंचेस लेटर गाइस अपनी रोक्सी अब है ना बिल्कुल थक के बैठ चुकी है। अब ये मान के चलो इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है गाइस, तो इसको घर पे लेके चलते हैं, इसको डाइट देते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है गाइस, 7 बजने वाली है। तो आज हमारी वीडियो को एंडिंग हम रोक्सी के साथ में कर रहे हैं गाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।